नमस्कार, मैं मितेश अग्निहोत्री। दबे छुपे ही सही, लेकिन यह बात सामने आती रहती है कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से भाजपा के अंदर का ही एक बड़ा तबका खुश नहीं है। सुख बुगाटे तो यह भी है कि भाजपा काला कमान और पूर्वांचल के भगवाधारी के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा की ताकतवर ब्राह्मण लाबी भी योगी की कार्यशैली से नाराज है। यूपी में कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के तरीके ने भी योगी की प्रशासनिक क्षमता पर सवालिया निशान लगाया। यहां तक कि साल 2017 से अभी तक पहली बार प्रदेश के कुछ विधायकों ने ही दबी जुबान से ही सही, लेकिन अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। कोरोना महामारी के दौरान हुए पंचायत चुनाव में भी भाजपा का प्रदर्शन खराब रहा। यह चुनाव अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव का रिहर्सल माने जा रहे थे, लेकिन हुआ यह कि इन चुनावों ने योगी की तानाशाही वाली कार्य शैली से नाराज जनता के लिए जनमत संग्रह का काम कर दिया। लखनऊ में सत्ता के गलियारों से छन कर आ रही खबरों पर यकीन करें तो यूपी के मंत्रिमंडल में जल्द ही कोई भारी फेरबदल देखने को मिल सकता है। संगठन और पार्टी में असंतोष के स्वरों को देखते हुए पहली बार भाजपा के महासचिव बीएल संतोष यूपी पहुंच गए हैं। उनके इस दौरे को मिशन 2022 के लिए भाजपा की तैयारियों से जोड़ा जा रहा है। वैसे साल 2017 में योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालने के बाद यह पहला मौका है जब भाजपा का आला कमान फीडबैक ले रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने पार्टी विधायकों और मंत्रियों के साथ आमने सामने बैठक की। इसके बाद वह योगी से भी मिले, लेकिन यह मुलाकात पूरी तरीके से तन्हाई में यानी एकांत में हुई। बीएल संतोष सबसे पहले भाजपा विधायक और सूबे के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक से मिले। इसके बाद वो सुरेश खन्ना, दारा सिंह चौहान से मिले। उन्होंने मंत्री जय प्रताप सिंह और सिद्धार्थनाथ सिंह के साथ मुलाकात की और बाद में स्वाति सिंह और सतीश द्विवेदी से अलग अलग मुलाकात की। गौरतलब है कि ब्रजेश पाठक वही मंत्री हैं जिन्होंने कोरोना के दौरान लखनऊ की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। इन बैठकों में बीएल संतोष ने महामारी के दौरान किए गए कार्यों, जन समस्याओं और पार्टी को जनता तक पहुंचाने में अपनाई जाने वाली रणनीतियों पर विधायकों और मंत्रियों की प्रतिक्रिया मांगी। सूत्रों की माने तो यह बात निकलकर सामने आ रही है कि पार्टी संगठन और सरकार के बीच संवाद की कड़ी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। इसके अलावा कई विधायकों ने यह भी शिकायत की है कि प्रदेश की नौकरशाही उनकी नहीं सुनती, जिससे जनता के काम करवाने में उन्हें लाचारी का सामना करना पड़ता है। इन बैठकों में भाजपा के उत्तर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन के प्रदेश प्रभारी सुनील बंसल भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि संतोष जल्द ही उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य सहित बाकी मंत्रियों से भी मिल सकते हैं। सवाल यह खड़ा होता है कि बीएल संतोष की इन बैठकों से योगी आदित्यनाथ कितने खुश हैं। यह नहीं भूला जाना चाहिए कि गुजरात कैडर के पूर्व नौकरशाह अरविंद शर्मा विधान परिषद सदस्य बनने के बाद से ही बनारस में डेरा डाले हुए हैं। पिछले 3 महीनों के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की संसदीय सीट में किसी मंत्री या नौकरशाह से बढ़कर काम किया है। बताया जाता है कि डीआरडीओ द्वारा बनवाया जा रहा अस्पताल भी जल्द से जल्द तैयार करवाने में अरविंद शर्मा की बेहद बड़ी भूमिका रही है। ताजा खबर यह भी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में अरविंद शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि इस बात की संभावना बेहद कम है कि योगी आदित्यनाथ इसके लिए तैयार होंगे। योगी आदित्यनाथ इस बात को अच्छे से जानते हैं कि उनके लिए खतरा केशव प्रसाद मौर्य नहीं है, लेकिन अगर कोई चेहरा केंद्र की ओर से यूपी में ताकतवर बनाकर भेजा जाता है तो यकीनन योगी इसके लिए तैयार नहीं होंगे। हालांकि सरकार से असंतुष्ट एक तबका ऐसा भी है जो पहचान न जाहिर किए जाने की शर्त पर इन बैठकों को केवल यूपी भाजपा के अंदर खाने में पनप रहे असंतोष को शांत करने के लिए एक सेफ्टी वाल्व के तौर पर देखता है। लेकिन अतीत पर नजर डाले तो पहले इस तरीके की बैठकें सीएम की मौजूदगी में सामूहिक रूप से हुआ करती थी। ऐसा पहली बार हुआ है कि पार्टी का कोई बड़ा केंद्रीय स्तर का पदाधिकारी मंत्रियों, विधायकों और सीएम से अलग अलग मिल रहा है। इससे एक बात तो साफ है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। वैसे आने वाले दिनों में इस बात का जवाब मिल ही जाएगा कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है।